मुख्य तो तीन प्रकार है, शक्ति के तीन प्रकार है। एक अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति इसमें सारा संस्कृत या आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, वहां सब अंतरंगा शक्ति। और शक्ति फिर व्यक्ति बन जाती है, इवन राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। भगवान को आह्लाद देती है, आह्लादनी, आह्लाददायिने, आह्लाद प्रह्लाद, आह्लाददायिने, प्रह्लाद को देते हैं आह्लाद। उसी भगवान की तो वह, लेकिन राधा रानी देती है भगवान को आह्लाद। या वैसे सभी सभी शक्तियां इसीलिए बनाई है भगवान ने, ताकि वो शक्ति भगवान को आह्लाद दे, आनंद दे, भगवान को सुखी रखे, भगवान की सेवा करे शक्ति। लेकिन होता क्या है, जैसे यह समझाया जा रहा है, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आध्यात्मिक जगत, दिव्य जगत, वैकुंठ जगत में तो वहां का हर जीव जीव है या शक्ति जीव, बस भगवान की सेवा करते हैं। भक्ति योगी वहां सारे भक्ति योगी।